नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बांदा में अवैध मिट्टी खनन ने फिर ली मोटरसाइकिल सवार युवक की जान। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल युवक को कुचला, जहां एक युवक की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बांदा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लालकुआ चौकी का है। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनदीप वर्मा है जी। कहाँ रहते हैं? मैं गुलरनाथ के संस्थान कैंपस में। अच्छा, आज ये कैसा, किस प्रकार का एक्सीडेंट था? ये मैंने देखा, मैं वहाँ से निकल रहा था, मैं जा रहा था तिलवाड़ा में होकर बच्चों को कुछ सामान देने, उसके लिए मैंने देखा कि वहाँ पे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैक्टर से पूरा कुचल दिया गया, तो ट्रैक्टर से इनको कुचल दिया गया है। और उसके बाद जब मैंने देखा कि वहाँ ये पड़े हुए थे, काफ़ी फोन निकल चुका था 15 मिनट से, क्या कहते पब्लिक देख रही थी इन्हें और उठाया नहीं। जब मैंने वहाँ देखा इन्हें तो तुरंत रिक्शे में लगवाया, फिर तब तक रास्ते मुझे बिल्ली खेड़ा में एम्बुलेंस मिली है, तब जाके एम्बुलेंस को लेके मैं यहाँ आया हूँ और फिर यहाँ थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ये रहे, उसके बाद ये खत्म हुआ। अच्छा, क्या लगता है, कुछ जानकारी मिली कि कौन है ये? हाँ, ये इनका नाम बबू है। इनकी जानकारी ये मिली है कि नगर पालिका में ड्राइवर है और सिमरी गाँव के रहने वाले। अच्छा, परिजन कोई आए क्या घर से? हाँ, अभी फोन तो किया है, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं रास्ते में, उनके घर वालों को नहीं पता। एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या पूरा मामला? सर, एक बबलू नाम के मरीज को लाया गया था, क्योंकि काफ़ी गंभीर स्थिति में था, उसकी काफ़ी गंभीर स्थिति होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।